नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। इस बीच जिला प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि चुनाव से जो संबंधित कार्य है उसे जल्द पूरा कर ले। जो नए युवा है जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है और बूथों की निरीक्षण को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। इन सारी चीज़ों को लेकर मुजफ्फरपुर प्रशासन काम को लेकर तेजी कर दी है, जिसको लेकर आज बैठक भी की गई है। डीएम पन्नम कुमार के नेतृत्व में यह बैठक की गई, जिसमें सारे अधिकारी मौजूद थे। वही सभी दल के जो नेता हैं उनको भी बुलाया गया था और बूथों के बारे में और कैसे युवा और महिलाओं को इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग हो पाए, उसका बूथ में बूथ की कैसे संरक्षण हो या बूथ की जो व्यवस्था हो, उस सभी चीज़ों को लेकर आज बातचीत है। कम से कम लगभग 1.5 घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसके बाद जिला प्रशासन तेज़ी से इस काम को करने में लग गई है, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है। इस पूरे मामले को लेकर डीएम पन्नम कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कल से 27 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने विभिन्न जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक की और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जानकारी दी गई है। जैसा मैंने बताया कि 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसमें दावा अवधि है 27 अक्टूबर 23 से लेकर 9-12 तक 9 दिसंबर तक, और इसमें 4 विशेष डेट्स भी रखे गए हैं, विशेष दिवस रखे गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगातार BLO उपस्थित रहेंगे और सभी पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। ये शनिवार और रविवार के दिन रखा गया है, बेसिकली 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, और फिर 25 नवंबर और 26 नवंबर को, और दावा आपत्ति का निराकरण हम लोग 26 दिसंबर तक करा लेंगे। अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होना है। तो इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार के अभियान चलाए जा रहे हैं सभी BLOs के साथ। EROs ने बैठक की है और मतदाता सूची का प्रकाशन करके ये BLOs को भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी लोग अपने मतदाता सूची का निरीक्षण करके यानी किसी तरह की त्रुटि है, कोई चेंजेज है, कोई नाम जोड़ने की बात है, तो ये सब कराने पूरा विकल्प रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग कई तरह के अभियान चला रहे हैं मतदाता सूची को और मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं की और सशक्त भागीदारी करने के लिए और विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। जो प्रोस्पेक्टिव मतदाता हैं, जो कि 18-19 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी की और किन्हीं कारणों से मतदाता नहीं बन सके हैं, उनको मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और 18 की शक्ति के नाम से एक विशेष अभियान हम लोगों ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ जो महिला मतदाता हैं, प्रोस्पेक्टिव मतदाताएँ हैं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए विभिन्न जो हमारे प्लस टू स्कूल्स हैं वहाँ पर कैंपस एम्बेसडर्स की नियुक्ति की गई है, उनके साथ लगातार AERO के साथ बैठक करके उनके डेटा और डिटेल के साथ जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग भी प्रोस्पेक्टिव हैं उनको मतदाता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों के जो हमारे प्रतिनिधि उपस्थित थे उनसे भी हम लोगों ने अपेक्षा और अनुरोध किया है कि वे बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनिधि करें और उनके माध्यम से भी काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता सूची काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, काफ़ी बेहतर हो, पारदर्शी हो और सभी लोगों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। सर, वोटरों की संख्या बढ़ी है सर, और इसके वजह से बूथ की संख्या भी बढ़ी है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, वोटर बढ़ने की जो बात कर रहे हैं वो एक सतत प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया कि ये विशेष अभियान लगातार चलाए जाते हैं और अब तो 4 कट ऑफ डेट हैं जिसके आधार पर वोटर लिस्ट में वोटर्स की न्यू एंट्री, तो डेफिनेटली वोटर्स बढ़े हैं। और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1500 से अधिक यदि मतदाता किसी एक बूथ पर हों तो वहाँ पर एडिशनल बूथ बनाए जाने का निर्देश है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस ज़िले में ऐसे 2 बूथ थे जहाँ 1500 से अधिक मतदाता थे, तो ऐसे 2 बूथों का निर्माण एडिशनल किया गया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो विभिन्न मतदान केंद्र हैं उनका संप्रेक्षण किया, उसका रैशनलाइजेशन किया, और उस रैशनलाइजेशन में हम लोगों ने पाया कि 3 ऐसे बूथ हैं जिसके मतदाताओं को नदी पार करके जाना पड़ेगा या जाना पड़ सकता है, तो वैसे मतदान केंद्रों को भी हम लोगों ने रैशनलाइज किया है और 3 नए बूथ बनाए गए। तो कुल मिलाकर इस ज़िले में 5 नए बूथ इस वर्ष बनाए गए। तो आपने सुना कि DM पन्नम कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन चुनाव को लेकर हाई अलर्ट मोड पे है, जो भी तैयारी है वो धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। और खासकर जिस जो भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है वो 18 साल होने वाले हैं, उन सभी को लोगों को अधिक से अधिक नाम जोड़ा जाएगा, जिसमें कई अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया गया है। वहीं जिले में 5 बूथ बढ़ाया गया है, जिसमें
आदेश आया था कि जो भी 1500 से ज़्यादा वोटर है जिस बूथ पर, उस पर एक और एक्स्ट्रा एडिशनल बूथ बनाया जा सकता है, जिसको लेकर 2 बूथ बनाया गया और एक जगह पानी नदी पार करके जाना पड़ता था लोगों को। यह करके हुए जिले में लगभग 5 बूथ की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराने में लग गई है। और नए जो युवा है या महिला है जिनको लोकसभा चुनाव में भागीदारी लेनी है, उन सभी चीज़ों को लेकर नाम जारी भी करने के लिए सूची जारी कर दिया गया है। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।